हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द क्रिश कैमरिज स्कूल ऑनलाइन क्लासेस हाउ आर यू ऑल आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी फाइन एंड सेफ एट योर होम दिस इज द क्लास फॉर टेंथ एंड वी आर डिस्कसिंग योर सिविक्स चैप्टर वन विच इज डेमोक्रेसी जिसको कि हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं पिछली क्लास में हमने ये जाना बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी वी डिस्कस्ड अबाउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड अबाउट द सोशल डेमोक्रेसी टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉरल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग पता होना सबसे पहले आपके लिए बहुत जरूरी है जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपकी अपनी प्रीवियस वीडियो में अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप देख सकते हैं फिर से जाकर उस लिंक पर ओके okay, एंड अपनी बुक अपने सामने रख लीजिए एंड कीप अ पेंसिल इन योर हैंड ऑलवेज एक पेंसिल आपके हाथ में हमेशा होनी चाहिए आपके बुक के साथ में सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अगर हम बात करें बेटा आज मॉरल डेमोक्रेसी की मॉरल डेमोक्रेसी से आज हम हमारी स्टार्ट क्लास स्टार्ट करेंगे सो लेटर्स स्टार्ट अ क्लास नाउ डेमोक्रेसी एज अ फिलोसफी ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ कई स्कॉलर्स ने कहीं पढ़े लिखे लोगों ने डेमोक्रेसी को एक फिलोसफी की तरह एक मॉरल और स्पिरिचुअल लाइफ में उस तरीके से भी एक्सेप्ट किया है किसको डेमोक्रेसी को क्या लोकतंत्र भी नैतिकता से जुड़ा हो सकता है ये हम जानेंगे दिस वेरी मॉरल अप्रोच टूवर्ड्स डेमोक्रेसी इज कॉल्ड एज एथिकल डेमोक्रेसी और ये जो अप्रोच है ये जो अप्रोच मॉरल डेमोक्रेसी से है रिलेटेड है इसे हम क्या कह सकते हैं एथिकल डेमोक्रेसी एथिक्स की बात आ गई यहाँ पे मूल्यों की बात आ गई है नैतिकता की बात आ गई है एथिकल डेमोक्रेसी इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फिलासोफीज इन विच ह्यूमन वैल्यूज आर परसिव्ड एज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी इन गवर्नेंस Okay, democracy is a part, ethical democracy is a प्रैक्टिकल फॉर्म ये क्या है एक प्रैक्टिकल फॉर्म है उन सभी डेमोक्रेटिक फिलोसफीज का जिनका जो बेसिस है वो ह्यूमन वैल्यूज़ है जो मानवीय मूल्य है ये उसका बेसिस है और फाउंडेशन है किसी भी सोसाइटी के लिए और उसकी गवर्नेंस के लिए तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके की डेमोक्रेसी में जो बेस होता है जो आ, उसका जो बेसिस होता है वो होता है ह्यूमन वैल्यूज ओके ह्यूमन वैल्यूज़ को इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मॉरल डेमोक्रेसी इन द फॉर्म इन दिस फॉर्म इज सीन इन द स्लोगन लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी तो जो बेस्ट एक्सप्रेशन हम मॉरल डेमोक्रेसी का देख सकते हैं वो हम देख सकते हैं इस स्लोगन में जो कि बहुत ज्यादा नॉन है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फटर्निटी किस नाम से नॉन है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फटर्निटी ओके यस ऑफ़ द लिबरल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन ऑफ़ फ्रांस इन 1798 तो ये एक लिबरल रेवोल्यूशन जो कि फ्रांस में हुआ था फ्रांस में हुआ था उसमें ये स्लोगन बहुत ज़्यादा फेमस था जो कि ये मॉरल डेमोक्रेसी की जो बात हम कर रहे हैं उसको ये स्लोगन बहुत अच्छे से शो करता है जिसमें कि लिखा है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फटर्निटी क्या लिखा है लिबर्टी आज़ादी इक्वालिटी समानता एंड फटर्निटी ओके फटर्निटी अमॉंग ऑल मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज इक्वालिटी कैन नॉट बी फाउंड विदाउट ब्रदरहुड अमंग्स इंडिविजुअल एंड विदाउट इक्वालिटी फ्रीडम टू कैन नॉट बी अचीव क्या लिखा गया है कि तीनों वर्ड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इंटर वुवन है बात करें फटर्निटी तो फटर्निटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों में क्यों अगर भाईचारा नहीं होगा तो किसी तरीके की इक्वालिटी नहीं होगी इक्वालिटी नहीं होगी तो किसी भी तरीके की फ्रीडम आपके पास नहीं होगी तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से क्या है बेटा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है हम ये देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बात करें फटर्निटी की इक्वालिटी की और लिबर्टी की तो तीनों चीज़ें एक एक दूसरे से जुड़ी हुई है इंटर रिलेटेड है okay? ओके yes. यस या सो दिस वॉज फॉर योर मॉरल डेमोक्रेसी आई होप आपको समझ आया वॉट इज मॉरल डेमोक्रेसी जिसकी की जड़ जिसका की आप कह सकते हैं बेसिस ह्यूमन वैल्यू होते हैं और ह्यूमन वैल्यूज को ही फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी और गवर्नेंस माना जाता है नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी आप डेमोक्रेसी एक इतना बड़ा वर्ड है कि जिसे आप कुछ सेंटेंसेस में या कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अब हम बात करेंगे वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके डेमोक्रेसी होल्ड्स अ ब्रॉड आइडियोलॉजी इन इट्सल्फ एंड स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस क्वेश्चन हुज इज द पावर इन डेमोक्रेसी ठीक है तो डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ी एक ब्रॉड आइडियोलॉजी है खुद ही में ये वर्ड ही एक इंस्टीट्यूशन है एक संस्थान है और बहुत सारे स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है उनका क्या है अलग अलग मत है उनके अलग अलग विचार है इस वर्ड को लेके और बाय विच क्लास द रियल यूज ऑफ पावर शुड बी एक्सरसाइज इन द सोसाइटी वो क्या पूछते हैं कि पावर किसके हाथ में होती है शक्ति किसके हाथ में दी गई है शक्ति का असली इस्तेमाल कौन कर रहा है जैसे आप भी आपके सामने भी विजिबल होती है चीजें जो लोग ज्यादा रिच होते हैं जिनके पास ज्यादा पावर होती है वो ही सारे पावर का इस्तेमाल करते हैं या उनसे रिलेटेड लोग उस पावर का इस्तेमाल करते हैं क्या हम तक कभी वो पावर पहुंचती है नहीं हम तक वो पावर कभी भी नहीं पहुंच पाती है सो ये चीज ये क्वेश्चन भी है और बाई विच क्लास द रियल यूज ऑफ पावर शुड बी एक्सरसाइज इन द सोसाइटी ओके वट काइंड रिलेशन आर देयर इन बिटवीन द एंड द रूल्ड ठीक है किस तरीके के रिलेशन है हमारे शासक में और उसकी प्रजा में आप कह सकते हैं राजा में प्रजा में शासक में और जो लोग उससे रूलर और जो लोग उससे रूल हो रहे हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है यह भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वॉट शुड बी द वैल्यू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का वैल्यू सिस्टम क्या होना चाहिए नैतिक मूल्य क्या होना चाहिए मूल्यों का सिस्टम क्या होना चाहिए ड्यू टू द सेम सॉर्ट ऑफ कंटेम्पलेन वेरियस थ्योरीज एंड एंड्रोचेज ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीटेड एट सच और इन्ही सब बातों को ध्यान में रख के वेरियस अप्रोचेस एंड थ्योरीज को डेवलप किया गया है जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है सिर्फ डेमोक्रेसी एक वर्ड को जान के ही आप कुछ जीत नहीं सकते हैं आपको हर एक माइन्यूट डिटेल के बारे में जानना होगा सो so, हमारी पहली थ्योरी है the traditional liberal theory of democracy the traditional liberal theory of democracy the second is the pluralist theory of democracy the pluralist theory of democracy third is elitist elitist theory and approach of democracy elitist theory of approach and approach of democracy मार्सिस्ट थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी मार्सिस्ट क्या सोचते हैं उनकी थ्योरी और अप्रोच द्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी बात क्या क्या की जा रही है यहां पर ट्रेडिशनल की मार्सिस्ट लोगों की सोशलिस्ट लोगों की ठीक है इन डिफरेंट पांच ग्रुप से रिलेटेड वेरियस थ्योरीज और वेरियस कॉन्सेप्ट निकले हैं बेटा डेमोक्रेसी के लिए जो हम हाँ हम जानेंगे एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करके इन सब चीजों को अब हम जानेंगे ओके यस चलिए बात करते सबसे पहले द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ट्रेडिशनल वर्ड ही हमें बता देता है कि ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है हमारे मूल्यों से जुड़ा हुआ है और कहा जाए तो आपको ये पुराना एक तरीका है पुराना तरीका जिसे कहते हैं वो हम अंदाजा लगा सकते इस टाइटल को पढ़ के

पिछले तीन दशकों से दी तीन सेंचुरी से ये डेवलप हुई दिस इज ऑफन कॉल्ड इज द वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी और द पॉपुलर थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इसे हम वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं और कह सकते हैं पॉप्युलर थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या कह सकते हैं वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्यों क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये डेवलप हुई है इसका नोशन इसका बेसिस उन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड है एंड हम इसे कह सकते हैं पॉप्युलर थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ओके अब कुछ नेम्स यहां पे गिवन है हॉब्स लॉक रूसो बेंथम जे एस मिल टी एच ग्रीन मोंटेस्क्यू अब्राहम लिंकन जेफरसन हर्बर्ट स्पेंसर एक्सेट्रा आर परसीव्ड एज द मेजर थिंकर्स ऑफ ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है आपने क्या किया है आपने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड जान लिया डेमोक्रेसी लोकतंत्र डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है डेमोक्रेसी की रूट्स कहाँ से आई कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं डेमोक्रेसी में ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है नेम देख रहे हैं आप यहां पे ठीक है हॉब्स लॉक रूसो बेंथेन जेएस मिल टी एच, एच ग्रीन मोन्टेस्क्यू अब्राहम लिंकन जेफोसन हॉबर्ट हाँ, स्पेंसर इन सब ने क्या किया इस थ्योरी को परसीव किया और ये मेजर थिंकर्स थे इस ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी के जिन्होंने इस थ्योरी को पोषित किया ऑल दी स्कॉलर्स हैव प्रेजेंटेड देयर आइडियल्स रिलेटेड टू डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस एंड राइट्स किस तरीके से प्रेजेंट किया इन्होंने खुद की थिंकिंग को इस थ्योरी को इस तरीके से प्रेजेंट किया जो कि बेस्ड है जो कि फोकस है इंडिविजुअल के हैप्पीनेस पे एक जो इंसान है उसकी उसकी हैप्पीनेस पे उसकी आज़ादी पे और उसके अधिकारों पर बेस्ड है मतलब ये जो बेस है इसका वो किस पर बेस्ड है वो पीपल पर बेस्ड है वो उनकी खुशी पर बेस्ड है वो उनकी आज़ादी पर बेस्ड है वो उनके अधिकारों पर बेस्ड है किसकी बात हो रही है बेटा ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की ओके okay. ठीक है नाउ वी विल रीड अबाउट द बेसिक बिलीव्स एंड फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बेसिक बिलीफ क्या है फीचर्स क्या है ओके मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएटर देअर फोर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेल्फ इंटरेस्ट इन इनहर इन हिम क्या बोला गया है कि मैन जो है एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बुद्धिमान है ठीक है और उसकी एबिलिटी जो खुद को समझने की है वो उसके अंदर खुद से पहले ही है जैसे आप पढ़ते हैं आपके अंदर कैरेक्ट्रिस्टिक्स आपके अंदर जो जीन्स होते हैं वो इनहेरिटेंट होते हैं पहले से ही आपके अंदर वो विद्यमान है उसी तरीके से इंसान एक इंटेलिजेंट आप कह सकते क्रिएचर है जिसके अंदर ये पावर है कि वो खुद को समझ सके और खुद के इंटरेस्ट को वो जान सके ठीक है ऑल पर्सन आर बेसिकली इक्वल येस राइट टू इक्वालिटी ये कहता है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट right है दैट ऑल पर्सन आर बेसिकली इक्वल सभी जो लोग हैं वो क्या है वो समान है तो समानता से सबके साथ व्यवहार होना चाहिए सभी को समान रूप से चांस मिलना चाहिए हर चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज में इक्वालिटी दे दी और किसी चीज में इक्वालिटी है ही नहीं The government should be formed according to the liberal and democratic constitutionalism, meaning that the principle of limited governance should be followed. or government को किसके according follow करना चाहिए, किसके according form karna chahiye Liberal or democratic constitutionalism, तो so, जो liberal लोग हैं, ये जो traditional theory democracy को follow करते हैं, ये पूर्ण रूप से लोगों के हित में बात करते हैं। तो क्या कहते हैं कि government को form होना चाहिए liberal तरीके से? और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करके हमें अपनी कंट्री का डेमोक्रेसी रेडी करना चाहिए मीनिंग दैट द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस शुड बी फॉलोड क्या कहा गया है मीनिंग ये है कि प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस शुड बी फॉलोड ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में आपने पावर दे दी तो वो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है लोगों के हित में काम नहीं हो रहा है तो क्या कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट गवर्नेंस शुड बी फॉलोड लिमिटेड गवर्नेंस जितना जरूरत है उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर गवर्नेंस हो इस चीज को फॉलो करना चाहिए द विल ऑफ पीपल इज द बेसिस पावर ऑफ गवर्नमेंट विल ऑफ पीपल लोगों की जो सोच है लोगों का जो आप कह सकते हैं जो सपोर्ट है जो लोगों की इच्छाएं हैं जो लोगों का विल है वही बेसिस है किसका गवर्नमेंट का अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वो ही बेसिस है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सो द गवर्नमेंट इज मेनली अ ट्रस्टी ऑफ पॉलिटिकल पावर तो गवर्नमेंट क्या है एक ट्रस्टी है किसका पॉलिटिकल पावर का इट मीन्स दैट द ऑटमोस्ट पावर इज इन द हैंड ऑफ द पीपल एंड द पीपल आर द बेसिस ऑफ दिस डेमोक्रेसी ओके देर आर डेफिनेट एंड फंडामेंटल रूल्स ऑफ गवर्नेंस डेफिनेट एंड फंडामेंटल रूल्स ऑफ गवर्नेंस है क्या है एक डेफिनेट रूल्स बनाए गए हैं फंडामेंटल रूल्स बनाए गए हैं जो कि अगर आप ट्रेडिशनल थ्यूरी ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं तो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट शुड बी रन बायर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल बिल्कुल डेफिनेटली लोकतंत्र लोगों का तंत्र लोगों के द्वारा तंत्र ठीक है तो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव्स को ही हमें रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब ही है जो हमें रिप्रेजेंट करे जो हमें आगे प्रेजेंट करे हमने उन्हें चुना वो आगे हमारी बात रखे तो बात करे तो क्या कहा गया है गवर्नमेंट शुड बी रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल लोगों की रिप्रेजेंटेशन से जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चूज किए हैं उनके द्वारा ही गवर्नमेंट को रन करना चाहिए गवर्नमेंट को चलना चाहिए हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही सरकार को चलना चाहिए ठीक है द प्रिंसिपल्स ऑफ मेजोरिटी शुड बी फॉलोड इन द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट और एक मेजोरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए जब भी बात हो फॉर्मेशन की और ऑपरेशन की गवर्नमेंट में फॉर्मेशन मतलब है गवर्नमेंट का बनना किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म होती है जब भी इस चीज की बात हो तो एक मेजॉरिटी को मेजॉरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू पीपल बिल्कुल गवर्नमेंट हमेशा रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए पीपल के लिए ऐसा नहीं है बेटा कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर है तो वो कुछ भी कर सकती है उसे जो भी काम करना होगा जो भी डिसीजन लेना होगा वो पहले लोगों के बारे में सोच के लोगों के हित के बारे में सोच के उसको वो डिसीजन लेना होगा बिकॉज द ऑटमोस्ट पावर इज इन देंड्स ऑफ पीपल दिस इज डेमोक्रेसी नॉट द ऑटोक्रेसी नॉट द मनाकी सो गवर्नमेंट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल ठीक है समझ गए प्रोटेक्शन ऑफ पीपल शुड बी द पर्पज ऑफ गवर्नेंस ठीक है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल बिल्कुल हमारे ऊपर कोई आके आक्रमण कर रहा है कोई किसी भी तरीके की हमको हानि पहुँचा रहा है क्षति पहुँचा रहा है तो गवर्नमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है हमने ऐसे लोगों को आगे भेजा है चुन के जो कि हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और गवर्नमेंट की ऑटमोस्ट ड्यूटी ये है कि वो अपने देश के सिटीजन को हमारे द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा मिलकर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे हमें संरक्षण प्रदान करें ठीक है पीपल शुड एंजॉय सिविल लिबर्टीज एंड टू प्रोटेक्ट देम अ फ्री एंड फेयर जुडिशरी मस्ट बी स्टेब्लिश बिल्कुल बात करें हमारी कंट्री की और जुडिशरी की तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा ठीक है तो इस कॉम्प्लिकेटेड मैटर में नहीं जाते बस इतनी सी बात मैं आपको बताती हूँ हमारी कंट्री का जो जुडिशरी सिस्टम है वो बिल्कुल पंगू है आप कह सकते हैं बिल्कुल धीरे वो आ, बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में चलता है जैसे राघव स्लो मोशन करता है जो डांस वाले शोज में आता है बिल्कुल वैसे ही हमारा जुडिशियल सिस्टम चलता है बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे देश के देश के जुडिशल सिस्टम की लोगों के केसेस तब तक चलते रहते जब तक कि उनकी डेथ ना हो जाए बहुत कम केसेस में वोडक बहुत जल्दी आता है तो ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे सिर्फ यही कहेंगे कि लोगों के पास क्या होनी चाहिए सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए अब ये सब बातें जो हम पढ़ रहे हैं सब थियोरटिकल है जब आप देखेंगे रियालिटी में तो कुछ ना कुछ इससे ज़रूर अलग होगा दैट्स श्योर सो दिस द थ्योरटिकल पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसको रिलेट करिए अपने प्रैक्टिकल पार्ट से लोगों को क्या करना है सिविल लिबर्टी जो उसकी आज़ादी है उसको इंजॉय करने के लिए मिलना चाहिए उनको एक फ्री और फेयर जुडिशरी मिलनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो भी उनको न्याय वो चाहते हैं वो उन्हें जल्द से जल्द मिल पाए किसी भी तरीके की आ उसमें ढील ना हो किसी भी तरीके के लिए उनको वेट ना करना पड़े ये क्या होना चाहिए हमारे गवर्नमेंट का मोटिव होना चाहिए बट ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड आफ्टर अ सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड मोर फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको कि हम कहते हैं चुनाव चुनाव होने चाहिए बिल्कुल स्वतंत्र और बिल्कुल स्वच्छ ठीक है बिल्कुल साफ तरीके से चुनाव होने चाहिए किसी तरीके की धांधली किसी तरीके की आ, कोई भी आ, ऐसी डीड ऐसी कोई डीड नहीं होनी चाहिए ऐसा कोई वर्क नहीं होना चाहिए जिससे कि डेमोक्रेसी पर किसी भी तरीके की आँच आए ठीक है थीके? तो क्या बोला गया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और हर एक सर्टन पीरियड के बाद ये इलेक्शन होने चाहिए बेटा ये जो चीज़ें जो आज हम पढ़ रहे हैं ये हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन से ही रिलेटेड है बट जब हम आजाद हुए थे तो सिचुएशन कुछ अलग ही थी तब लोगों को वोटिंग का अधिकार मिल गया वही बहुत बड़ी बात थी लोगों के लिए वोट देने जाना ही बहुत बड़ी बात थी आज हमारे पास ये अधिकार है कि हम चाहें तो किसी को चुन भी नहीं सकते <coughs> सॉरी हमारे पास ये अधिकार है कि हम नोटा का बटन बटन प्रेस करें और हम अपना वोट किसी को भी ना दें सो इतने अधिकार हमें इन सालों में मिल चुके हैं ठीक है देन वन पोलिटिकल पार्टी शुड रिमेन अवेलेबल टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ठीक है फ्री एंड फेयर होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ इलेक्शन होना चाहिए और हर तरीके की पार्टी को इसमें आ, आप कह सकते हो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वो अपना अपना काम कर सके और आगे आ सके गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट द पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बेटा पब्लिक ओपिनियन को रेस्पेक्ट करना चाहिए लोगों के बारे में सोचकर ही उसे काम करना चाहिए ओके okay? ये बात किसमें कही गई है हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द पीपल लोगों की उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी आदर्शों की उनकी बातों की उनके सिद्धांतों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और लोगों के अकॉर्डिंग ही उसे वर्क करना चाहिए सो टुडे वी विल बी रीडिंग टिल हियर ओनली ओके नाउ व्हाट यू विल डू कल आपने किया था uh, हमने लिखा था मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ओके सो आज आप क्या करेंगे वो लिख लीजिए आप अपना असाइनमेंट ओके सो योर असाइनमेंट क्वेश्चन वन इज वॉट इज मॉरल डेमोक्रेसी ठीक है अपने वर्ड्स में लिखना है अपने वर्ड्स में लिखना है ओके इन योर वर्ड्स वॉट इज मॉरल डेमोक्रेसी और वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल डेमोक्रेसी एक क्वेश्चन तो आपको ये हो गया अब आपको लिखना है ये ट्रेडिशनल जो वे है जो ट्रेडिशनल थ्योरी है इसके बारे में लिखना है कि ये थ्योरी क्या है क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप इस थ्योरी से क्या आपने सीखा है इस थ्योरी से और क्या ये रियलिटी में एग्जीक्यूट हो पाती है ये थ्योरी ये सब चीजें आपको लिखनी है क्या ये रियलिटी में एग्जीक्यूशन हो जाता है इसका क्या ये एग्जीक्यूट हो रही है जैसे यहां लिखा गया है एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दू बेटा हम जो ये पढ़ाई हमारी कंट्री में होते खैर अभी तो नहीं है एन ई पी आई ये न्यू एजुकेशन पॉल पॉलिसी पता नहीं उसको इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लगेगा बट ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है प्रैक्टिकल नॉलेज हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती है ये जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है ये सब थ्योरेटिकल है हमें क्या करना है हम सिर्फ इन्हें पढ़ेंगे इन्हें याद कर लेंगे जान लेंगे बट हमारे देश में एक्चुअल में हो क्या रहा है उससे हम इसको रिलेट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि जो देश में हो रहा है वो एक डिफरेंट थिंग है जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो एक डिफरेंट थिंग है ये दोनों का कोई मैच ही नहीं है एंड देर इज नो प्रैक्टिकल नॉलेज ओके आप किसी वोटिंग uh, प्लेस पर जाके देख नहीं सक रहे हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में लोग वोट देते हैं कैसे लोग एक्चुअल में डेमोक्रेसी का एक पार्ट है ठीक है तो आज हमने ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ठीक है तो ये क्या चीज़ है ये असली में एग्जीक्यूट हो रही है ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए सो यू विल राइट ऑल दीज क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू गिव आंसर इन योर ओन वर्ड्स ओके सो दिस इज योर असाइनमेंट फ्रॉम माई साइड टिल देन वॉट यू विल डू यू विल जस्ट स्टे एट योर होम स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी कीप ऑन डूइंग दिस ऑनलाइन कीप ऑन अटेंडिंग दिस ऑनलाइन क्लासेज एंड कीप ऑन डूइंग योर असाइनमेंट्स अपने असाइनमेंट्स हमको करते रहने हैं और क्या करते रहना है हमें हमें मोटिवेटेड रहना है हमें अच्छा सोचना है और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के बारे में जितना हो सके उतना अच्छा हमें जानना है सो थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच अगेन वी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू अगेन